जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एमपीटेट वर्ग 3 का एनालिसिस 14 मार्च फर्स्ट सेप्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कहलाती है, क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर है प्रेरक। प्रेरक आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दो पूछा गया था कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था, किसने महत्व दिया था, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर दो। और आपका सही आंसर है फ्राइड ने। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी था वह सही आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा, किसने सबसे पहले बुद्धि परिरक्षण का निर्माण किया, किसने किया, ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर तीन। और आपका सही आंसर था अल्फ्रेड विनी। अल्फ्रेड विनी यानी कि विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे चार पूछा गया कि प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं, कौन सी प्रेरणाएँ, ये आपसे पूछा गया था। तो चार का सही आंसर था यहाँ पर विकल्प नंबर एक यानी कि भावात्मक प्रेरणाएं। विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, डब्ल्यू बुल्ट ने, सिगमंड ने, पावलाव ने या वाटसन ने, तो पांच का सही आंसर था डब्ल्यू बुल्ट, विकल्प नंबर एक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर छः पूछा गया कि व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं क्या पाते हैं, विचलनशीलता, प्रतिमानता, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर है ए और बी दोनों यानी कि विचलनशीलता भी और प्रतिमानता भी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किन का नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। सभी लोग कमेंट में आंसर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तो सही आंसर है गाल्टन आपका राइट आंसर है, इनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया था, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर, तो आठ का राइट आंसर था स्किनर यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर नौ पूछा गया, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है, क्वेश्चन नंबर नौ का सही आंसर है आपका गतिक यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक है, क्या कारक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा आपका यहां पर विकल्प नंबर ए आपका सी राइट आंसर है, सामान्य बुद्धि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको चयन करना था क्वेश्चन नंबर 11 में, तो 11 का राइट आंसर था विकल्प नंबर सी, विकास रेखीय होता है, ये वाला विकल्प जो है आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, अधिगम से या फिर अभिप्रेरणा से, स्मृति से या सृजनात्मकता से, तो 12 का सही आंसर था विकल्प नंबर सी यानी कि स्मृति, स्मृति आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है, देखिए आपसे यहाँ पर नहीं पूछा था, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, और यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, दूसरों के साथ लड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, यानी किस अवस्था को, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को, तो 14 का सही आंसर है बाल्यावस्था को, मिथ्या या पक्वता पवित्रता का समय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और सही आंसर था इसका सामाजिक परिवेजन्य तत्व, ये जो है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, जॉन डीवी को निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से प्रेरणा मिली थी, ये आपको बताना है, मिली थी यहाँ पर होगा,
तो राइट आंसर है 16 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी, यानी कि विलियम जेम्स से प्रेरणा मिली थी। और अगला क्वेश्चन क्या है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खालिस्तान से है, यानी कि परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या परिणाम से। तो 17 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी, प्रतिक्रिया। देखिए विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से संबंध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम विनी साइमन मापनी का निर्माण किया गया, कब इसका निर्माण किया गया, 1905, 1910, 1915 या 1920 में। तो 1905 यानी कि विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण कौन सा है, बताइए। बुद्धि का पूछा था, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था और आपका सही आंसर था कि बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण जो है वह है आर्मी अल्फा परीक्षण आपका सही आंसर होगा। बुद्धि भटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व, रुचि या बुद्धि या फिर अभिक्षमता। तो 20 का राइट आंसर था विकल्प नंबर सी, यानी कि बुद्धि में इसका जो है मापन में इसका प्रयोग किया जाता है, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे आपके जो 14 मार्च को पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे आपके लिए, वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह का एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।